भिलाई 3 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कि तंबाकू के सेवन से किस प्रकार की हानि है और शरीर को क्या क्या रोग हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जिसमें हमारी जागृति वर्मा ने ढेला भाई का रोल किया और नोनी का रोल भूमिका साहू ने किया और NM का रोल यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रोल हमारी LHB सिस्टर श्रीमती रंजू विश्वास ने की और दत्ता सिस्टर और मैंने इनका मार्गदर्शन किया, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे रूप से लोगों को प्रेरित किया कि तंबाकू खाने से, एक ढेला भाई को तंबाकू खाने की आदत थी, खाना खाने के बाद वो खाना खाने के बाद हमेशा तंबाकू खाती थी और अपने बच्चे से बुलाती थी, छोटे छोटे नाती पोते से। तो इसमें दो संदेश दिया गया कि बच्चों को इन पदार्थों के लाने के लिए दुकानें ना भेजें, सामान खरीदने के लिए कि जैसे गुटखा है, खैनी है, तंबाकू की पुड़िया है, नस की डिब्बी है, गुड़ाकू की डिब्बी, इसको हम अक्सर अपने बच्चों से बुलाते हैं खरीद के, तो वो ये समझते हैं कि हमारे परिवार का मुखिया जब इस चीज़ को खाता है तो आगे चल के हमको भी इस सब चीज़ों का सेवन करना है। तो एक तो उनको ये डांट लगाई गई है कि इसको बच्चों से दूर रखा जाए, दूसरी बात इसके हानिकारक तत्वों के बारे में बताया कि कैंसर मुँह का हो सकता है, जबड़े का हो सकता है, गले का हो सकता है और सिगरेट पीने से जिस प्रकार से फेफड़ों का हो सकता है। तो इन रोगों के ऊपर उन्होंने फिर एक उनसे शपथ पत्र दिलाया गया कि मैं इस चीज़ को छोड़ती हूँ और भविष्य में ना बच्चों के सामने इसका उपयोग करने दूंगी, ना खुद करूंगी, ना बच्चों को करने दूंगी, ना किसी को करने दूंगी। तो एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तंबाकू निषेध दिवस के रूप में एक अच्छा कार्यक्रम जनता के रूप में जनता के जागरूकता के लिए प्रस्तुत किया गया है।